हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे इन इंग्लिश ग्रामर आई एम गोइंग टू टीच यू वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया। तो वर्ब होता क्या है? व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? लुक हियर, द वर्ड दैट शो That shows the word that shows the action action of a noun the word that shows the action of a noun is called the action word। एक्शन वर्ड, द वर्ड डैट शो द एक्शन ऑफ ए नाउन, द वर्ड डैट शो द एक्शन ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड द वर्ड डैट शो द एक्शन ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड द एक्शन वर्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ब। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। द वर्ड दैट शो द एक्शन ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड द एक्शन वर्ब। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ब। लुक, द वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द, दैट शो जो दर्शाए, या जो शब्द जो दर्शाए द एक्शन क्रिया या काम ऑफ ए नाउन, इसका संज्ञा का, आपके नाम में संज्ञा का, इज कॉल्ड द एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मीन्स क्रिया, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। यानी कि वह जो शब्द संज्ञा के क्रिया को दर्शाता है, जो शब्द संज्ञा की क्रिया को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। द वर्ड दैट शो द एक्शन ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड द एक्शन वर्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ब। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा के एक्शन मीन्स काम को दर्शाता है, क्रिया को, काम को दर्शाता है, आप ए नाउन किसके, संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा, तो वह सब जो संज्ञा के क्रिया को दर्शाता है, काम को दर्शाता है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लुक द एग्जाम्पल, लुक, वर्ब का मतलब क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब, ये तो इंग्लिश डिफिनेशन है। द वर्ड दैट शो द एक्शन ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड द एक्शन वर्ब। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ब। मतलब कि ये वर्ब मीन्स क्रिया, किसी कैसे हम जान सकते हैं, हाउ वी फाइंड आउट कि ये एक सेंटेंस है, इसमें कौन सा वर्ब है? वर्ब का मीन क्या होता है? वर्ब मीन्स एक्शन, मतलब कि कोई काम होना। इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो इस सेंटेंस को समझेंगे कि कौन सा काम हो रहा है। लुक हियर, राम जा रहा है। राम मीन्स राम, इज मीन्स है, गोइंग मीन्स जा रहा है, राम जा रहा है। तो वर्ब मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स काम का होना, किसी काम का होना, किसी सेंटेंस में किसी काम का होना अगर पाया जाए तो वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो राम इज गोइंग, राम जा रहा है। विच वर्क इज बींग डन बाय राम, राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? राम इज गोइंग, राम जा रहा है। तो विच वर्क इज बींग डन बाय राम, राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? यही ना, गोइंग मीन्स जा रहा है। तो राम कौन सा काम कर रहा है? गोइंग, जा रहा है। राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है ना। तो गोइंग इज वर्ब, गोइंग क्या है? वर्ब है। निकाल, राम क्या कर रहा है? राम कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? गोइंग का। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब मोर,
द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। बेबी मीन्स बच्चा, इट मीन्स है, स्लीपिंग मीन्स सो रहा है, बच्चा सो रहा है। नाउ विच वर्क इज डन बाई, विच वर्क इज बींग डन बाई बेबी, विच वर्क इज बींग डन बाई बेबी, बेबी के द्वारा कौन सा काम हो रहा है। इसमें द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। तो हमें पता करना है कि बेबी के द्वारा, ये जो बेबी है बच्चा है, इसके द्वारा कौन सा काम हो रहा है, ये बच्चा कौन सा काम कर रहा है। विच वर्क इज बींग डन बाई बेबी, बेबी के द्वारा कौन सा काम हो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो बच्चा कौन सा काम कर रहा है। विच वर्क स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है ना, बच्चा कौन सा काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। तो दिस स्लीपिंग वर्ड इज वर्ब, यही स्लीपिंग जो है वो क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है, स्लीपिंग, जो बच्चा सोने का काम कर रहा है वही क्या है, वर्ब है। लुक सम मोर एग्जाम्पल, सोहन इज रनिंग, सॉरी सोहन इज कमिंग, सोहन इज कमिंग, सोहन इज मीन्स है, कमिंग मीन्स आ रहा, तो सोहन आ रहा है, आ रहा है। Now, which work is being done by Sohan? Which work Sohan is coming? Which work is being done by Sohan? Sohan के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? Sohan क्या कर रहा है? Sohan आ रहा है। Sohan कौन सा काम कर रहा है? आ रहा है ना, यही काम, आने का काम कर रहा है ना। तो जो coming है, coming word, यही क्या है? यही है verb। Coming क्या है? Verb है। Coming is verb। Coming क्या है? Verb है। Now look one more example। Boys are playing, boys are playing, boys means बच्चे, are means है, playing means खेल रहे, बच्चे खेल रहे हैं। Boys are playing, this is a sentence, बॉयज आर प्लेइंग, ये एक सेंटेंस है, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज मीन्स बच्चे, आर मीन्स है, प्लेइंग मीन्स खेल रहे, बच्चे खेल रहे हैं। नाउ विच वर्क इज बीइंग डन बाय बॉयज, विच वर्क इज बीइंग डन बाय बॉयज, बॉयज के द्वारा, बच्चों के द्वारा कौन सा काम हो रहा है। विच वर्क इज बीइंग डन बाय बॉयज, तो बच्चे, बच्चों के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, क्या बच्चे गा रहे हैं, बच्चे गाने का काम कर रहे हैं, नो, बच्चे हंस रहे हैं, नो, बच्चे उड़ रहे हैं, नो, बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, कौन सा काम कर रहे हैं, प्लेइंग। तो ये प्लेइंग क्या हो गया, प्लेइंग इज वर्ब, यही क्या है, वर्ब है, प्लेइंग क्या है, प्लेइंग वर्ब है। वन मोर, मदर इज कुकिंग, मदर इज कुकिंग, माँ खाना, मदर मीन्स माता या माँ, खाना पका रहे हैं या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बनाना या पकाना दोनों की है। मदर इज कुकिंग, माँ खाना बना रहे हैं। नाउ व्हाट, विच वर्क इज डन बीइंग बाय, विच वर्क बीइंग Being done by mother. Which work is being done by mother? Mother के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? Mother कौन सा काम कर रही है? Which work? कौन सा काम? Mother हंस रही है? No. Laughing कर रही है? No. Reading कर रही है? No. कौन सा काम कर रही है? Cooking. Mother कौन सा काम कर रही है? Cooking.
तो ये क्या है, यही वह एक्शन वर्ड है, यही क्या है वर्ब है, कुकिंग इज वर्ब, यही क्या है वर्ब है। तो देर आर मेनी काइंड ऑफ वर्ब, बहुत से प्रकार के वर्ब होते हैं, प्लेइंग प्ले, कुकिंग, लाफिंग, सिंगिंग, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, टीचिंग, रनिंग, देर आर मेनी काइंड ऑफ वर्ब। तो उन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। तो ये था आज का टॉपिक वर्ब, आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड वेल, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।